ये दृश्य हेउछि सुंदरगढ़ राजगांगपुर सिंधीपड़ार कपूर गलीरे जाइथिबा पानी पाइप लाइन फाटी जाइथिबारु सेथिरे मिसुछि नर्दमा पानी जहाकु पीबाकु बाध्य हेउछन्ति लोके। एने लोके अभिजोग करिथिले भी विभागीय कर्तृपक्ष परस्पर उपरे दायित्व लदी चुप बसिथिबा अभिजोग करिछन्ति पड़ावासी। हम लोगों के इधर में पानी का बहुत असुविधा हो रहा है। म्युनिसिपैलिटी वाला नाली साफ करने आया था, पानी पाइप तोड़ के चले गया। म्युनिसिपैलिटी बोलता है कि हम नहीं बनाएंगे, पीएचडी वाला भी देख के चले गया है। अभी तक कुछ खबर ही नहीं है, कोई आके बनाया ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं दोनों बोलता है म्युनिसिपैलिटी वाला बोलता है पीएचडी बनाएगा, पीएचडी बोलता है म्युनिसिपैलिटी बनाएगा। और हम लोग इधर वाले सब बहुत हैरान हो जा रहे हैं। और नली का सारा गंदा पानी वही पाइप में जा रहा है, और जिसके जिसके नल में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है वही गंदा पानी वो लोग पी रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, अगर नहीं ये कुछ एक्शन लेगा तो क्या हम लोग को पर्सनल बनवाना पड़ेगा क्या? अब ऐसे दिन भी आया है क्या देखने के लिए हम लोग को? यहाँ पर ये नाली का पानी म्युनिसिपैलिटी वाला पाइप में घुस रहा है और आदमी लोगों ने वही गंदा पानी यूज कर रहा है। बहुत दुख की बात है, इसको आगे ठीक करें वरना सब लेडीज जाएगा म्युनिसिपैलिटी पीएचडी। और आप लोग देखिए क्या करना है। म्युनिसिपैलिटी बोल रहा है कि पीएचडी वाला बनाएगा और पीएचडी वाला बोलता है म्युनिसिपैलिटी वाला बनाएगा। इस संपर्क में स्थानीय पौर अधिकारी एवं जनस्वास्थ्य विभाग रो सहकारी जंत्री कहिछंती अभिजोग आछि एवं खूब शीघ्र समस्या रो समाधान हेबो। मो पखरे गतकाली खबर मिलिछि, पीएचडी सहित कथा हेली, से रिपेयरिंग करिवा पई से कोछि मोर परिसीमा भितरे नाही, तो आमे स्टेप नै छौ रिपेयरिंग करि देबा आम म्युनिसिपैलिटी तरफरो। पीएचडी पानी जाइछि सेठी नाळ सफा करिवा आमर काम, से भितरे भूल वशत बाजी जाइछि कि भांगी गले तो सेटा पीएचडी करिवा कथा। हां, आमर एग्जीक्यूटिव अफिसर फोन करथिले जे से पाइपटा आम काम कला वाले फाटी जाइछि, ସେମାନେ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କଲାବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କଲାବେଳେ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ତାକୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇଟା ପୁରା କଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଜେସିବି ନେଇକରି କଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ, ପବ୍ଲିକ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିକରି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ପଠେଇକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ରିପେୟାର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣି, ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ବାରର ସିନ୍ଧୁପଡ଼ାରେ ଯାଇଥିବା ଏକ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଫାଟିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଖରେ ଏକ ନାଳର ମଳିଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପଶି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଏ କାମରୁ ନିଜ ପିଛା ଛିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ୟା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେବେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 12 ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ରାଜାମପୁର ଗୌତମ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗଜ ଟିଭି।